हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जनवरी से लेकर अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। यह पार्ट टू है जिसमें ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। पार्ट वन हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें 200 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2024 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? आंसर होगा जापान। इसको होस्ट किया था किर्गिस्तान ने। इंडिया की रैंक थी 9th। इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते थे, 4 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनागुरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका आंसर होगा राजस्थान। इस टेम्पल का नाम है ओम आकार और ये टेम्पल नगारा स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है, जनरली जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं वो नगारा स्टाइल में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023? इसमें इंडिया की रैंक है 4th। टॉप किया था यूएसए ने। इंडिया ने 2023 में टोटल स्पेंड करा था मिलिट्री में $83.6 बिलियन का। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ ब्राह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री? इसका आंसर होगा फिलीपींस। तो इससे पहले इंडिया एंड फिलीपींस के बीच ब्राह्मोस मिसाइल डील को साइन किया गया था और इसका फर्स्ट बैच जो ब्राह्मोस मिसाइल का है उसको डिलीवर करा है इंडिया ने। ब्राह्मोस जो है ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रसिया, यानी कि इसको दोनों कंट्री के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सितवे पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर होगा म्यांमार। इसको बनाया है इंडिया ने और ये लोकेटेड है कलादान रिवर में। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर? इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं और इसको लॉन्च करा गया है IIT मुंबई में और इस ट्रीटमेंट का नाम है कार टी सेल थेरेपी। इस ट्रीटमेंट में जो पेशेंट है उनके अपने टी सेल को मॉडिफाई किया जाता है, फिर उसमें डाला जाता है और ये टी सेल पेशेंट के सेल को रिकग्नाइज करके, जो डैमेज सेल होते हैं उनको रिकग्नाइज करके उस पर अटैक करके जो कैंसर सेल होते हैं उसको ट्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? आंसर होगा 24th अप्रैल। इसकी थीम थी सस्टेनेबल पंचायत। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू सेटअप डिजिटा यानी कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू चेक इलीगल लोन ऐप्स? इसका आंसर होगा RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? तो आंसर होगा 25th अप्रैल। मलेरिया ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के कारण होता है ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। ठीक है, यानी कि मादा एनोफिलिस। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन फॉर इंडियन आर्मी इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? तो आंसर होगा चिली। सोमपेन ट्राइब रिसेंटली इन द न्यूज़ प्राइमरली रिसाइड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? आंसर होगा इसका ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ये ट्राइब न्यूज़ में था क्योंकि ये जो ट्राइब है ये पहली बार लोकसभा इलेक्शन में वोट दिए थे। विच एयरपोर्ट बिकेम द 14th एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च द डीजी यात्रा सिस्टम? आंसर होगा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोवा में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बने थे युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनागुरेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हु वॉन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? नोवाक जोकोविक, जो कि टेनिस प्लेयर हैं। वहीं पे अगर बात करें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की, तो ये मिला है अहितना बोनमती को, जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिनजाइटिस वैक्सीन? आंसर होगा नाइजीरिया। ठीक है, मेनिनजाइटिस ये
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इसके कारण जो ब्रेन जो मेनिंजाइटिस बीमारी है, इसके कारण ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, यानी कि सूजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर हाइब्रिड पिच हैज़ बिन अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो यहाँ पे स्टेट होगा, ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ये बनाया गया है इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड नाइफ। नाइफ पुस्तक के लेखक हैं सलमान रश्दी। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज दस्त लीक हैज़ बिन कंडक्टेड बाई इंडिया इन विच कंट्री। इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी पार्क हैज़ बिन सेटअप इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा गुजरात। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। इसका आंसर होगा HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड TSAT-1A सैटेलाइट रिसेंटली। तो इसको टाटा ने लॉन्च करा है TSAT-1A, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इनके लेखक है सैम पित्रोडा। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक। इसका आंसर होगा बिल्किस मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। हु हैज़ डेवलप्ड द आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम। इसको डेवलप करा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय द RBI। इसका आंसर होगा 6.5% अभी प्रेजेंट टाइम रेपो रेट है, जो इंटरेस्ट देता है बैंक को। इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है बैंक को जब बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है फ्रॉम RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट बिकेम द इंडियाज फर्स्ट टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन 2023-24। इसका आंसर होगा पैरादीप पोर्ट, ये ओडिशा में लोकेटेड है और ये इंडिया के मेजर पोर्ट्स में एक है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन इज सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड। आंसर होगा 21 अप्रैल। व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसन डे सेलिब्रेटेड, इसको 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। पार्किंसन डिजीज़ ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, ठीक है। यूपीज फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज हैज़ बिन बिल्ट इन, ये चित्रकूट में बनाया गया है। नेक्स्ट है, विच टेनिस प्लेयर बिकेम द ओल्डेस्ट नंबर वन इन ATP रैंकिंग हिस्ट्री। नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री वॉज हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड गमेन, ठीक है। तो मडागास्कर को ये हिट किया था साइक्लोन जिसका नाम था गमेन। हु बिकेम द फर्स्ट साउथ इंडियन एक्टर टू गेट वैक्स स्टैच्यू एट मैडम तुसाद म्यूजियम इन दुबई। आंसर होगा अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द चिथिराय कार फेस्टिवल। आंसर होगा तमिलनाडु, यह सेलिब्रेट किया गया था मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेंपल में। रैम्पेज मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आंसर होगा इसराइल, और इसी मिसाइल को रिसेंटली इसराइल ने ईरान में अटैक किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ साइंड अ प्रोटोकॉल टू अमेंड द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि DTAA विथ विच कंट्री। आंसर होगा मॉरिशस, ठीक है। तो डबल टैक्स से बचने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल द विंटर्स माइंडसेट। आंसर होगा सेन वाटसन। नेक्स्ट है, थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। इसको केरला में सेलिब्रेट किया गया है। 34th सेंग खीलंग फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मेघालय में इसको सेलिब्रेट किया गया है बाई खासी ट्राइब्स। विच सिटी होस्टेड 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024। यह अबू धाबी में हुआ था और इसकी थीम थी ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड लोंगटे फेस्टिवल। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, और ये सेलिब्रेट किया गया था नेसिस ट्राइब्स के द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश में
ये ट्राइब्स पाए जाते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अंगारा 5 रॉकेट, इसको लॉन्च करा है रसिया ने। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू जर्नी इन टू स्पेस विथ ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन। तो ये फर्स्ट इंडियन बने हैं, गोपी थोटाकुरा। रिसेंटली गंगोर फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है गंगोर फेस्टिवल। नेक्स्ट है, इंडियाज़ एम टू बूस्ट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1,00,000 मेगावाट बाय, तो ये 2047 तक इंडिया डेवलप करेगा अप टू 1,00,000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र, ये रोमानिया ने इसको अनवील करा है। विच टीम वॉन नेशनल खो खो चैम्पियनशिप 2023-24, ये महाराष्ट्र ने जीता है। खो खो में टोटल प्लेयर होते हैं 12, जिसमें 9 फील्ड में रहते हैं एंड 3 एक्स्ट्रा रहते हैं, ठीक है। 12 प्लेयर इच साइड, दो तरफ खेले जाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ 12 प्लेयर एंड दूसरी तरफ 12 प्लेयर खेलते हैं, 9 फील्ड में रहते हैं एंड 3 एक्स्ट्रा रहता है। रिसेंटली हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024, मीना चरंदा, ठीक है। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म, इसका नाम है इरा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि NIA। सदानंद दाते को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024, तो ये जीते हैं जेनी अर्पेनबेग फॉर हिज नॉवेल काइरोस, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। रुद्रा M2 वॉज इन द न्यूज़, वट एग्जैक्टली इज़ इट, तो रुद्रा M2 ये एक मिसाइल है और ये एक सॉलिड प्रोपेल्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया था डी आर डी ओ के द्वारा फॉर एयर टू सरफेस ऑपरेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे रुद्रा M2 मिसाइल ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, तो 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 159। इसको रिलीज किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, इसमें इंडिया की रैंक है 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज एंड टॉप में है नॉर्वे। विच कंट्री होस्टेड 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, आंसर होगा इंडिया, और ये केरला के कोची में ये मीटिंग हुआ था, ठीक है। विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, आंसर होगा चाइना, इसको होस्ट किया था जापान ने। इंडिया की रैंक थी 6th, 17 मेडल जीते थे इंडिया, 6 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, इसका नाम है अग्निबान, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। हु वन प्रेस्टिजियस गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024, आंसर होगा आलोक शुक्ला। साइक्लोन रेमल वॉज नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, हाल ही में ये न्यूज़ में था क्योंकि ये वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश को हिट करा था, तो इस साइक्लोन का नाम रखा गया था ओमान के द्वारा। विच डिजीज इज रिलेटेड टू द साइड इफेक्ट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन, तो इसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, यानी कि TTS, और ये ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड हैं, यानी कि इसके कारण ब्लड क्लोट होता है। और इस कोविशील्ड वैक्सीन को जो बनाया गया था, ये बनाया गया था एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, आंसर होगा चिली, और इसका नाम है अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ये दुनिया का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट है, 2024 का ऊबर कप वुमेन्स के द्वारा खेला जाता है, ये बैडमिंटन चैम्पियनशिप है। विनर रहा था 2024 में चाइना एंड सॉरी होस्ट कंट्री चाइना रहा था एंड विनर भी चाइना था। वहीं पे अगर बात करें
2024 का थॉमस कप। थॉमस कप भी ये बैडमिंटन चैम्पियनशिप है, लेकिन ये मेंस के द्वारा खेला जाता है। होस्ट कंट्री था चाइना एंड विनर भी चाइना, ठीक है। तो याद रखने के लिए आसान हो गया, चाइना चाइना चाइना, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मैक्सिको में इसको डिस्कवर करा गया था। ये डीपेस्ट ब्लू होल है जिसका नाम है तामजा। नेक्स्ट है, चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आंसर होगा अफगानिस्तान, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली 10 ईयर्स डील को साइन किया है टू ऑपरेट ईरान्स चाबहार पोर्ट, ठीक है। 10 ईयर्स का डील साइन किया गया है ताकि इंडिया चाबहार पोर्ट को ऑपरेट कर सके। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, गल्फ ऑफ ओमान में। यहाँ पे देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान है, सॉरी, यहाँ पे इन चाबहार पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री ओवरटुक यूएस एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2024। इसका आंसर होगा ऑफकोर्स चाइना, ठीक है। तो चाइना और इंडिया के बीच टोटल ट्रेडिंग हुआ था $118.4 बिलियन का, जिसमें इंडिया इंपोर्ट करा था $101 बिलियन का एंड एक्सपोर्ट करा था $16.67 बिलियन का। सेकेंड नंबर पे फर्स्ट में चाइना था, सेकेंड में यूएसए है, इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। विच रॉकेट विल बी यूज्ड टू लॉन्च मंगलयान 2 मिशन। तो इसका नाम है LVM3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉस ऑल ग्लेशियर्स। तो आंसर होगा वेनेजुएला। इसका लास्ट वन ग्लेशियर था हम्बोल्ट ग्लेशियर, एंडिस माउंटेन में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये साउथ अमेरिका का, यहाँ पे एंडिस माउंटेन है और यहाँ पे आपको वेनेजुएला मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकेम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आंसर होगा स्पेन। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द सो प्राइज 2024 इन एस्ट्रोनॉमी। तो आंसर होगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2024 से रिलेटेड चैंपियन रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स, थर्ड टाइटल था इसका। रनर अप रहा था सनराइजर हैदराबाद, पर्पल कैप मिला था हर्षल पटेल को, वहीं पे ऑरेंज कैप मिला था विराट कोहली को, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। आंसर होगा 39, टॉप किया था यूएसए ने। इसको रिलीज़ करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इब्राहिम रैसी हु रिसेंटली पास्ड अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ईरान। वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आंसर होगा जापान। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड प्लान टू बिल्ड द फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम ऑन द मून। इसका आंसर होगा नासा। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन सुल्तान अजलान शाह कप 2024। तो इसका टाइटल जीता है जापान। नेक्स्ट है, हु हैज सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 30 टाइम्स। कामी रीता शेरपा, ठीक है, और ये नेपाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, विच कंट्री सरपास्ड जापान एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। तो आंसर होगा इंडिया। विच कंपनी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG बाइक। इसका आंसर होगा बजाज ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सरपास्ड जापान एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। आंसर होगा इंडिया। विच कंपनी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG बाइक, यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस बाइक। आंसर होगा बजाज ऑटो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा।
नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज़ बिन डेवलप्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, वेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड? 11 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी स्कूल टू स्टार्टअप, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो आंसर होगा 16 मई। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024? इसका आंसर होगा नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपू लेक, लिम्पिया धुरा एंड कालापानी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ आर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन विच टू कंट्रीज? आंसर होगा इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो रिसेंटली नेपाल ने 100 रुपीज़ का नोट इशू किया था जिसमें ये तीनों जगह को डिनोट किया था, क्योंकि ये तीनों जगह डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। विच कंट्री होस्टेड 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 2024? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया और इसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। एक्सरसाइज तर्कस, अ जॉइंट काउंटर एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आंसर होगा यूएसए। रीता क्यूबा, ब्लांको ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इस लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर होगा कोलंबिया, क्योंकि ये रैपिडली वैनिश हो रहा है इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्फा फोल्ड एन AI मॉडल रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? आंसर होगा गूगल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC? तो इनके चेयरमैन है राकेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर वोन विच मेडल एट 2024 एशियन वुमेन्स जिमनास्टिक चैम्पियनशिप? तो गोल्ड मेडल जीती है और इस चैम्पियनशिप को होस्ट करा था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, विच इंडियन फिल्म वॉन द प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट 77th कांस फिल्म फेस्टिवल? इसका आंसर होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू कंकर माउंट एवरेस्ट? आंसर होगा ज्योति रात्रे। विच कंट्री विल होस्ट 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? इसको होस्ट करने वाला है ब्राज़ील। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? इसका आंसर होगा कपिल सिब्बल। विच स्टेट्स श्यामा निखिल बिकेम इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इफको? इसका आंसर होगा दिलीप संघानी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू कॉम्बेट फॉरेस्ट फायर्स? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। हु बिकेम न्यू MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? आंसर होगा संजीव नौटियाल, इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नेक्स्ट है, हु वॉन द ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड 2024? आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन और ये असम से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च्ड चांगे 6 लूनर प्रोब कैरिंग पाकिस्तान्स IQ मिशन? इसका आंसर होगा चाइना। वेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? तो 22 मई को मनाया था और इसकी थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? इसको जीता इंडिया ने। होस्ट कंट्रीज था इसका USA एंड वेस्ट इंडीज़। चैम्पियन रहा इंडिया, इंडिया का यह सेकेंड टाइटल था। रनर अप रहा है साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा था जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024? इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा और इसमें इंडिया की रैंक है 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2024 फ्रेंच ओपन? कार्लोस अलकराज ने जीता है जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को जो कि जर्मनी से हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट 2024 फ्रेंच ओपन?
आंसर होगा एगा स्वायतेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है। इन्होंने हराई थी जेस्मिन पाओलिनी को और ये इटली से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओथ फॉर द थर्ड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बिकेम द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, हु वॉन 3 कॉन्जिक्यूटिव जनरल इलेक्शन। कब कब जीते थे? तो 2014 में, 2019 यहाँ पे होगा, ठीक है, 2019 एंड 2024 में। तो लगातार 3 बार जनरल इलेक्शन जीतने वाले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं नरेंद्र मोदी आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आर्टिकल 74(1) में तो ये इसमें क्या दिया हुआ है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 74(1) में कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 में क्या है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मिनिमम एज होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के लिए, लोकसभा से हैं तो 25 ईयर्स एंड राज्यसभा से हैं तो 30 ईयर्स। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के मोरारजी देसाई। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव। एंड अगर बात करें लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की तो यह है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एन चंद्रबाबू नायडू बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आर्टिकल 163 में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा बिहार, क्योंकि ये न्यू रामसार साइट्स बने हैं इंडिया के और ये लोकेटेड है झाझा फॉरेस्ट रेंज जमुई डिस्ट्रिक्ट में। अभी इंडिया के पास टोटल रामसार साइट्स हो चुके हैं 85। नेक्स्ट है, प्रेम सिंह तमांग सवर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज 2024? आंसर होगा अरुंधति रॉय। विच कंट्री ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 100th मेंबर? आंसर होगा प्रागवे। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड होम ऑफ अफ्रीकन चीता बनाया जा रहा है आफ्टर कूनो नेशनल पार्क, ये भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA सिक्योर्ड हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन 2024? इसका आंसर होगा 293, ठीक है। तो जनरल इलेक्शन 2024 या फिर 18th लोकसभा इलेक्शन, ये हुआ था 19th अप्रैल टू 1st जून 2024 इन 7 फेजेस। तो 7 फेज में ये हुआ था टू इलेक्ट 543 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, और इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 4th जून को टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर बात करें आर्टिकल 84 की तो इसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, तो जो भी MP होंगे वो इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए, उनका एज मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, अगर वो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं तो मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लोकसभा की बात करते हैं तो मिनिमम एज होना चाहिए 25 ईयर्स, इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए। इन आर्टिकल 84 में जो MP होते हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NDA ने 293 सीट्स जीते थे, इंडिया अलायंस ने 234 एंड अदर 16। NDA में BJP 240 सीट्स, TDP जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हैं 16 सीट्स एंड JDU 12 सीट, ठीक है। JDU ये नीतीश कुमार की पार्टी है। वहीं पे अगर बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 सीट्स, SP 37 सीट एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 सीट्स। SP जो है ये
अखिलेश यादव एंड AITC, ये ममता बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा झारखंड। और इसका एम है टू कन्वर्ट कोल इनटू गैसेस लाइक मीथेन एंड हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज 18th लोकसभा स्पीकर? इसका आंसर होगा ओम बिरला। स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात करें तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड हाईएस्ट अथॉरिटी होता है लोकसभा का, यानी कि लोअर हाउस का। आर्टिकल 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करने का प्रोविज़न दिया गया है, वहीं पे आर्टिकल 94 में इनका वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा? तो JP नड्डा होंगे। वहीं पे अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है इन द राज्यसभा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक है 63, और इसको रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टॉप किया है स्वीडन ने। विच सिटी बिकेम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? इसका आंसर होगा श्रीनगर, और यह जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सेड टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ऑन डीप सी मिशन? तो आंसर होगा इंडिया। और इसमें मत्स्य 6000 है ना, ये एक डीप सबमर्जेंस व्हीकल है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा टू एक्सप्लोर डीप सी। ठीक है, बाई इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइएस्ट आर्क ब्रिज हैज़ बिन बिल्ट इन विच स्टेट और UT? आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। इसकी हाइट है 359 मीटर, और यह चिनाब रिवर पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनाग्रेटेड न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार? आंसर होगा PM मोदी। वहीं पर बात करें अगर नालंदा महाविहार की, तो इनको बनाया गया था किंग कुमार गुप्ता फर्स्ट के द्वारा 5th century CE में, और इसको डिमोलिश किया गया था बाय बख्तियार खिलजी इन 1200 CE। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड 15th G7 समिट 2024? आंसर होगा इटली। हु चेयर्ड 6th G7 समिट 2024? आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी, जो कि प्राइम मिनिस्टर है इटली के। हु इज़ द चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2024 फ्रॉम इंडिया? तो ये थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? आंसर होगा UP, और इसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन इज वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? आंसर होगा 19 जून को। अगर बात करें सिकल सेल अनिमिया की, तो ये इनहेरिटेटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं यानी कि RBC, उनके शेप को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल एट पावो नुर्मी गेम्स 2024? आंसर होगा गोल्ड मेडल। वेन विल निसार मिशन बी लॉन्च्ड? आंसर होगा 2025। निसार मिशन यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है नासा एंड इसरो का। पंडित राजीव तारानाथ वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आंसर होगा सरोद। हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम? आंसर होगा असम, और इसका एम है टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन एंड कर्ब चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमा खांडू सर्व्ड इन एज थर्ड टर्म चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। हु हैज़ बिन री अपॉइंटेड एज NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? तो आंसर होगा अजीत डोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? आंसर होगा JP नड्डा, और ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर्स भी हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिस्ट को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट इथेन क्रेकर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। आंसर होगा मध्य प्रदेश, और इसको सेटअप किया जाएगा सीहोर मध्य प्रदेश में। मोहन चरण मांझी बिकेम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। आंसर होगा ओडिशा। हु बिकेम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन लोकसभा इलेक्शन। आंसर होगा प्रियंका जरकी होली फ्रॉम चिकोड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, तृष्णा मिशन इज़ अ जॉइंट मिशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। आंसर होगा फ्रांस। तृष्णा जो है मिशन, ये एक इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट मिशन है, और ये जॉइंट मिशन है इंडिया एंड फ्रांस का। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 हेल्ड इन विच सिटी। आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, ऑल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023-24 UEFA चैम्पियन लीग। आंसर होगा रियल मैड्रिड। विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रमोशन। आंसर होगा निमहांस, जो कि बेंगलोर में लोकेटेड है। ठीक है, निमहांस ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आंसर होगा 21 जून को, और इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो 5 जून को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी लैंड रिस्टोरेशन हेल्टिंग डेजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। आंसर होगा 72। इसमें टॉप करा था सिंगापुर ने, और इसको रिलीज़ किया गया IMF के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ठीक है, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आंसर होगा महाराष्ट्र। विच रेगुलेटरी बॉडी रिसेंटली लॉन्च सारथी 2.0 मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर, तो इसको लॉन्च कराया सेबी ने, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1988 में, एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है माधवी पुरी भोज। ठीक है, एंड ये फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बनी है सेबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। आंसर होगा विक्रम मिश्री। विच कंट्री सेट टू इम्पोज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल्स। इसका आंसर होगा डेनमार्क। गैसी कैटल्स इसमें आते हैं सीप हो गए, गोट हो गए, ठीक है, काव हो गए, तो इन पर टैक्स लगाने वाला, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला कंट्री बना है डेनमार्क। टाटा सन्स टू बिल्ड 650 crore म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन विच सिटी। आंसर होगा अयोध्या यूपी में। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू पिकअप 2 हैट्रिक्स इन T20 वर्ल्ड कप। पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। हु बिकेम द फर्स्ट बैटर टू हिट 200 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल। आंसर होगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये जो एक्ट था ये फोर्स में आया था 21 जून 2024 को, और इसका एम है टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, जैसे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, इनको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। ठीक है, एंड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम। अगर इसमें कोई पकड़ा जाता है तो इसके लिए पनिशमेंट है अप टू 10 years इन प्रिजन या फिर 1 crore का फाइन। Which city has been declared as the India's first city of literature by UNESCO? Answer होगा कोझिकोड। Next question है, सी अय्याना पत्रुडु elected as speaker of which of the following state assembly? Answer होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इन 2023? तो इसमें इंडिया टॉप किया है, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, वहीं पे टॉप करा है यूएसए ने। रिसेंटली हेमिस फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड एट फाइंड्स अ होम? आलिया भट्ट। विच इंस्टीट्यूशन वॉन रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? आरबीआई ने जीता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जिमेक्स 2024 हैज़ बिन कंडक्टेड बाई इंडिया इन विच कंट्री? आंसर होगा जापान। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी? आंसर होगा अनामिका बी राजीव। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स? आंसर होगा बिल गेट्स। हु टुक चार्ज एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ECIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? इसका आंसर है अशोक कुमार सिंह। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 100 डेज इन स्पेस? इसका आंसर है ओलेग कोनोनेको, जो कि रसिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड एक पेड माँ के नाम कैंपेन? इसका आंसर है पीएम मोदी। हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024? इसका आंसर है कृष्णा प्रकाश। विच कंपनी कोलाबोरेटेड विद गतिशक्ति विश्वविद्यालय ऑन 5G 6G रिसर्च? इसका आंसर होगा नोकिया। गतिशक्ति विश्वविद्यालय ये इंडिया का पहला ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है, गुजरात के वडोदरा में लोकेटेड है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल? आंसर होगा PB सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराइदेव मोइदम्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आंसर होगा असम। चराइदेव मोइदम्स ये ब्यूरियल साइट्स हैं अहोम किंगडम का, ठीक है, अहोम किंगडम का। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया इंडिया का। 42nd कौन सा था? तो हॉयसल टेम्पल्स कर्नाटका का, एंड 41st था शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो 82 इसकी रैंक है, एंड इंडिया कैन ट्रेवल 58 कंट्रीज विदाउट वीज़ा। टॉप करा है सिंगापुर। विच कंट्री होस्टेड 24th SCO समिट? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। की हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें बेलारूस जो कंट्री हैं ये 10th मेंबर बन चुका है SCO का, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें अस्ताना डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है एंड अप्रूव्ड 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी ट्रेड फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन चैम्पियनशिप? आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविक को, ये सर्बिया से हैं, ठीक है। हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल? आंसर होगा बारबोरा क्रिचसिकोवा, और ये चेक रिपब्लिक से हैं एंड सी डिफीटेड जस्मिन पाओलिनी, एंड ये जो है ये इटली से हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल विल बी बिल्ट इन विच स्टेट्स? आंसर होगा महाराष्ट्र, और इसका नाम है थाने बोरीवली ट्विन टनल। टोटल लेंथ है इसकी 11.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हु टुक ओथ एज अ न्यू UPSC चेयरमैन? आंसर होगा प्रीति सूदन। पार्ट 14 में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से लेकर 323 में UPSC के बारे में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप्ड इन PM स्वनिधि स्कीम एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट? आंसर होगा मध्य प्रदेश। PM स्वनिधि स्कीम यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम लॉन्च किया गया था।
इसका फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट है एन कोटेश्वर सिंह बिकेम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम विच स्टेट। आंसर होगा मणिपुर। अभी टोटल जज हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट है एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, इसको रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा। इसमें इंडिया की ओवरऑल प्रोग्रेस था 2023-24 में 71 एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है केरला एंड उत्तराखंड और वहीं पे सबसे खराब प्रदर्शन करा है बिहार। नेक्स्ट है इंडियास एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट रोज टू 10% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। इसका आंसर होगा 6% ग्रो किया है, ठीक है। और 2024 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल 46.7 मिलियन जॉब क्रिएट किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, ठीक है। आंसर होगा एलिसा डी एंडा मेडराजो। विच कंट्री होस्टेड 2024 नेटो समिट। आंसर होगा USA। इसमें टोटल मेंबर है 32, लेटेस्ट मेंबर बना है 32nd स्वीडन। इंडियास इंडिजिनस लाइट टैंक जिसका नाम है जोरावर, ठीक है, हैज़ बिन डेवलप्ड बाय, तो ऑफकोर्स DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप करा है। नेक्स्ट है मसूद पेजेशकियान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट है हेमंत सोरेन सर्न इन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। आंसर होगा झारखंड, ठीक है। इससे पहले इनका भाई था चंपी सोरेन, ठीक है, अभी फिर हेमंत सोरेन बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। केर स्टार्मर बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। इससे पहले थे ऋषि सुनक जी, ठीक है। सिल नागू अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ डेस हाई कोर्ट। आंसर होगा पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज मिशन टिल 31st मार्च, तो आंसर होगा 2025 तक, ठीक है। 31st मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया स्मार्ट सिटीज मिशन को। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में और इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म 100 सिटीज, स्मार्ट सिटीज मिशन का, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। इसका नाम है आदित्य L1 और ये इंडिया का पहला मिशन है जो सन यानी कि सोलर के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। इसको लॉन्च किया गया था 2nd सितंबर 2023 में। क्योंकि ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यह फर्स्ट हेलो ऑर्बिट को कंप्लीट कर दिया है इन 178 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन। इंडिया ने इसको होस्ट किया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंडिया कंडक्टेड मैत्री एक्सरसाइज 2024 विथ विच कंट्री। आंसर होगा थाईलैंड। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नोमेडिक एलिफेंट 2024 हैज़ बिन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। इसका आंसर होगा मंगोलिया और ये उमरोई मेघालय में कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। एयर इंडिया टू सेटअप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट। आंसर होगा महाराष्ट्र। व्हाट इज सेबेक्स 2 विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज। आंसर होगा पावरफुल बॉम्ब। नेक्स्ट है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज CBDT चेयरमैन। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आंसर होगा रवि अगरवाल। व्हेन इज गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर,
28 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी 2024 में इट्स टाइम फॉर एक्शन। हेपेटाइटिस ये एक वायरल डिजीज़ है, 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, नेक्स्ट है विच कम्युनिटी डिमांडेड सेपरेट स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ पार्ट्स ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे इस नए स्टेट का डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, किन कम्युनिटी के द्वारा, तो भील, ठीक है, भील ट्राइब के द्वारा, और इस स्टेट का नाम रखा जाएगा भील प्रदेश। तो ये डिमांड किया गया है बाय भील कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। आंसर होगा 26 जुलाई। तो कारगिल वार जो हुआ था उनमें जो भी शहीद हुए थे हमारे जवान उनको याद करने के लिए कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द यूनिक मॉडल फॉर टीवी फ्री म्यूनसिपालिटीज। आंसर होगा तेलंगाना, और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्वास्थ्य नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। आंसर होगा चाइना। विच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट H-125 हेलीकॉप्टर बाय 2026। टाटा एंड एयरबस, एयरबस ये यूरोपियन कंपनी है। नेक्स्ट है विच कंट्री वन UEFA यूरो 2024 फुटबॉल टाइटल। इसका आंसर है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी बाग नख ब्रॉड बैक टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो ये यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है, ठीक है, UK। और ये जो बाग नख है छत्रपति शिवाजी महाराज का, इसका इस्तेमाल अफजल खान को मारने के लिए किया गया था इन 1659 एट प्रतापगढ़ फोर्ट इन सतारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियाज मेन्स क्रिकेट टीम। आंसर होगा गौतम गंभीर। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटी बींग डेवलप्ड। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। हु हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाई IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ये इंडियन शूटर हैं एंड ही वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अ चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव। आंसर होगा RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च IT सक्षम युवा स्कीम 2024। आंसर होगा इसका हरियाणा, और इसका एम है टू प्रोवाइड जॉब्स टू 5000 यूथ इन फर्स्ट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज बींग बिल्ट इन विच स्टेट। आंसर होगा बिहार, और इस टेम्पल का नाम होगा विराट रामायण टेम्पल। कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ईस्ट चंपारण में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मित्रा वन एज अ पार्ट ऑफ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विच स्टेट वन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। इसका आंसर है महाराष्ट्र। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड NTR भरोसा पेंशन स्कीम। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फाउना। तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फाउना, यानी कि फाउना जो एनिमल्स का लिस्ट है। ठीक है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024। न्यू दिल्ली। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड मैत्री उद्यान एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री। आंसर होगा मॉरिशस।
ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 हेल्ड इन विच सिटी? आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स? तो सुदीप्ता सेन गुप्ता। विच कंट्री टू होस्ट 2025 मेन्स T20 एशिया कप? इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड पोस्टेज स्टाम्प ऑफ राम लल्ला इन विच कंट्री? आंसर होगा लाओस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड MD ऑफ सिडबी? तो इसका आंसर होगा मनोज मित्तल। सिडबी का फॉर्मेशन होता 1990 में, हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में। वेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? इसका आंसर होगा 29 जुलाई। ठीक है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर किस कंट्री के पास है? तो यह है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट सनकेन यानी कि अंडरग्राउंड म्यूजियम ओपन्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। विच कंट्री वॉन 2024 वुमेन्स T20 एशिया कप? इसको जीता है श्रीलंका ने। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट यानी कि CPA? तो इसका आंसर होगा USA। तो USA और इंडिया ने साइन करा है द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ है वो शेयर किया जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेन्स फुटबॉल टीम? आंसर होगा मनोलो मर्क्वेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राजीव गांधी सिविल अभ्यास्तम स्कीम? आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी ने इस स्कीम को लॉन्च करा है, और इस स्कीम के अंडर जो भी प्रीलिम्स पास करेंगे UPSC प्रीलिम्स, ठीक है, उनको UPSC के लिए जो मेंस का एग्जाम होगा उनके लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड पावर विद इन? आंसर होगा आर बाला सुब्रमण्यम। और ये बुक जो है नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इनके ऊपर लिखी गई है। विच स्टेट अनाउंस्ड 10% जॉब कोटा एंड 60,000 सब्सिडी फॉर अग्निवीर्स? आंसर होगा हरियाणा। रिसेंटली हरेला फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ BSNL? रॉबर्ट जे रवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ न्यू ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBTA? आंसर होगा रजत शर्मा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ सेफ डी मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024? तो गगन नारंग, यहाँ ऑप्शन छूट गया है, गगन नारंग को सेफ डी मिशन अपॉइंट किया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। ठीक है, रिसेंटली टाटा पावर्स सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम वाराणसी। रसेल रीव्स हैज़ बिकेम फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। हु वन द एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप इन 2024? ध्रुव सितवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी? आंसर होगा पीयूष पांडे। सुजाता सोनिक अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। विच बैंक लॉन्च्ड MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सहज 15 मिनट्स ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन? तो इसका आंसर होगा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।